अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्पून फैंटेसी, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आजकल जैसे कि बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि है चिकन पैटीज़ की रेसिपी। अगर आप गोश्त खा के बोर हो चुके हैं, तो इस रेसिपी को ट्राई करें, आप इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे। बहुत आसान इन्ग्रीडियंट्स के साथ बन जाती है, तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए कैबेज 1 कप, कैप्सिकम 1/2 कप और अनियन 1 लिया था मैंने, जिसको स्लाइसेस में कट कर लिया। उसके अलावा हमें चाहिए बॉयल्ड पोटैटो यानी कि आलू, जिनको बॉयल कर लिया था मैंने 3 अदद, और उसके अलावा बॉयल्ड चिकन है 250 ग्राम, और ब्लैक पेपर चाहिए और साल्ट चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने ऐड किया 2 टेबल स्पून ऑयल, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्लाइसड अनियन, और इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शिमला मिर्च और बंद गोभी, और इसको हम 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। ज़्यादा आप लोगों ने फ्राई नहीं करना, अगर आपको थोड़ी रा सब्जियां पसंद हैं तो आप इसको फ्राई ना करें, डायरेक्ट ऐड कर दें। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी पोटैटो, ये बॉयल्ड पोटैटो मैंने इसमें ऐड किए थे, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी बॉयल्ड चिकन, इसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था, 250 ग्राम चिकन था ये, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर 2 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें हम कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं कर रहे, तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसेस का ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा साल्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून, और ये एक ज़बरदस्त सा पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा, बहुत ही क्रीमी सा आपको लगेगा टेक्सचर में भी और खाने में भी, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है ये। अब इसमें ऐड करूँगी प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा, और साथ में थोड़ा सा पानी, ताकि इसकी एक पतली सी स्लरी हम रेडी कर लें। बहुत पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक, एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी की हमने स्लरी रेडी करनी है। तो ये देखिए इस तरह इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ये पेस्ट ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि अगर आप इसको बहुत गाढ़ा बनाएंगे तो इसमें कच्चे मैदे का बहुत टेस्ट आएगा, ये इतना अच्छा फ्राई नहीं होगा। तो ये सेंटर में दूसरी रोल पट्टी मैंने रख ली है, इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, सस्ती होती है, आप इसको आसानी से ले सकते हैं। और अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद ये इस तरह हम इसको कवर अप करेंगे फर्स्ट लेयर के साथ, और इसके ऊपर अगेन मैं ये स्लरी लगाऊंगी। और मेरी पट्टियाँ थोड़ी सी ड्राई थी, इसलिए मैं इसके ऊपर हर लेयर के ऊपर पेस्ट लगा रही हूँ, ताकि ये कहीं खुल ना जाए। आप चाहें तो सिंपल 1-2 दफ़ा सिर्फ लेयर में लगाएं, और उसके बाद आप इसको इस तरह रोल अप करते जाएँ। तो ये देखिए, ये लास्ट ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया, और अब हम इसको कम्प्लीटली बंद कर देंगे, और ये एक अच्छी सी पैटी हमारी रेडी है। आप मार्केट से लें, आपको बिल्कुल भी पैटीज़ का मज़ा नहीं आता, ठंडी और पता नहीं कब की बनी होती हैं, आप घर में बनाएं, इस तरह का टेस्ट आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी मैंने रेडी कर ली हैं। अब ये मैंने वो स्लरी जो हम लोगों ने तैयार की थी मैदे के साथ और पानी के साथ, वो है, उसमें हम इसको डिप करेंगे, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको हम कोट कर लेंगे। तो ये ब्रेड क्रम्स में मैंने इसको कोट कर लिया, अच्छे से कोट करेंगे। और अब मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये ब्रेड क्रम्स हैं ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, बहुत जल्दी डार्क ब्राउन हो जाते हैं। तो जैसे ही मैं इसको अंदर ऐड कर रही हूँ, तो फ़ौरन मैं फ्लेम को बिल्कुल लो काट दूँगी, और 2 मिनट के लिए हम दोनों साइड्स पर इसको कुक करेंगे, ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी फ्लेम मीडियम हो तो ये बहुत जल्दी ब्रेड क्रम्स हैं वो जल जाते हैं, और पैटीज इतनी अच्छी नहीं बनती, अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो ये देखिए, इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे, चेक करते रहें, और ये रेडी हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी, सबने बहुत इंजॉय की थी, फ़ौरन ख़त्म हो गई थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।